रात एट 9 लिमिटेड एडिशन पावर्ड बाय HP लैपटॉप। सौम्या, हर दिन की तरह आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। चलो, आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए बलराज, थैंक यू। मेरा भी मूड अच्छा है इसलिए झूठ बोल दिया आते ही। एक्चुअली तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो, पता है? और मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको रिकॉर्ड करके रख लो। क्यों? क्योंकि जो अभी आने वाली है ना, उनके आने के बाद तुमको किसी ने नहीं बोलना तुम अच्छी लग रही हो। माधुरी मैम, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। वो जो आप ऐसे इसका हाथ पकड़ के उधर 4 कदम चल के आई हैं, वो एक बार मेरे साथ कर दो, थोड़ी गांव में इज्जत हो जाएगी मेरी। प्लीज मैडम। क्या करूं? कर दो। अब ऐसा लग रहा है कि फूल के साथ कांटा है। तुम्हें कहना चाहिए कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं हो। एम्बुलेंस तैयार रखना, मेरे को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। असली माधुरी दीक्षित मेरे साथ खड़ी है। आज के बाद सौम्या तू मेरी बहन। चलो, थैंक गॉड आपने मेरी जान बचा दी। मैम आपको पता है, आपकी वजह से हमारे घर में बहुत झगड़े होते हैं, मेरे दादा के, मेरे पापा के, मेरे बहुत क्लेश होते हैं। अरे बाप रे, क्यों? अब तीनों जनरेशन का क्रश सेम होगा तो लड़ाइयां तो होंगी करके। पिया घर आया पे चने के खेत का स्टेप कर रहे हो। नहीं, हम गरीब फैमिली से है ना, तो अकोमोडेट करने का आदत हो गया। गाना वो पसंद है, स्टेप ये पसंद है, कंबाइन कर दिए। एक बात बताओ, ये रामू काका वाला मुंह लेके राम जी पे एंट्री करते तुमको शर्म नहीं आती? कपड़ा हटा दे तो मुंह आपका भी रामू काका वाला। माधुरी जी, जहाँ आप हो वहाँ डांस की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। और जहाँ आप और डांस है और दीवाने ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आपका नया शो है डांस दीवाने, जिसे आप जज कर रही हैं, तो क्या अलग होने वाला है इस शो में? जो मैं शो करने जा रही हूँ डांस दीवाने, उसकी खासियत ये है कि इसमें 3 जनरेशन के पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं। जैसे एक मैं एक चीज छोटा सा बोलना चाह रहा था, मेरे चाचा को बहुत दिक्कत हो गया आपका वजह से यार। क्यों, क्या हो गया? ये जो आपने यार पूरा फिल्म में गेंदा मार रहे, सलमान खान आप ऐसे मुड़ रहे, चाचा होगा इंस्पायर। हाँ। और गांव का सारा भाभी मैं मार रहे गेंदा। हमारा जो भाभी लोग होता है स्ट्रॉन्ग होता है, तो गेंदा से कुछ हुआ नहीं, गमला उठा के मार दिया। तो अभी 5 साल 4 महीना हो गया है, जेल में ही है अपना। क्या बात है, क्यूटी पाई शर्मा हुआ नाम। हाँ, क्यूटी पाई शर्मा। हाँ हाँ, आप हंसते हैं ना, ऐसे मन में सुरसुरी सा होता है। आप बेबी भाभी आप। माधुरी जी, आपने 8 साल की उम्र में अपना पहला डांस परफॉर्मेंस दिया था, तो बचपन से आप डांस करते हो, आपको बचपन से ही पता था कि मुझे हीरोइन ही बनना है बड़े होकर? नहीं, कभी नहीं। मैं 3 साल की थी जब मैंने कथक डांस शुरू किया, और उसी में मुझे इंटरेस्ट था, मुझे मज़ा आता था। बस यही, मतलब ऐसे सोचा था कि कॉलेज जाऊँगी फिर, क्योंकि मेरे घर में सभी बहुत ही पढ़े लिखे हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी करूंगी, कभी जेनेटिक्स में। माइक्रो क्या? माइक्रो आपको नहीं समझेगा। मतलब ये होते शार्प लोग, 2 मिनट में पहचान गई हैं। माइक्रोबायोलॉजी जी। तो फिर जेनेटिक्स में आई विल डू सम रिसर्च, ऐसे मेरे बहुत सारे ख्याल थे, लेकिन आई थिंक डेस्टिनी हैड समथिंग एल्स फॉर मी। तो जो लिखा होता है वो होके ही रहता है जी। जैसे मतलब आप 8 साल की थी बचपन में, आप कथक करती, तो कभी घर वालों को ये आदत होती है, पता है, खासकर मम्मी पापा को, बेटा गुप्ता जी आए थोड़ा स्टेप करके दिखाओ। तो आपको भी ये बचपन में टॉर्चर होता था? मम्मी को बोलना ही नहीं पड़ता था। अच्छा, आप पहले ही? हाँ, मैं तो ट्रेन में भी डांस करती थी, मम्मी बोलती बैठ जा, नहीं तो लोग पैसा फेंकेंगे अभी, बैठ जाओ।